नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्कंडे सिंह, आप देख रहे हैं टीएच कुशीनगर। दोस्तों आज का टॉपिक वीडियो है इंस्टाग्राम लोगो, इंस्टाग्राम यूजर नेम। यहां पे जैसे कि यहां पे शो कर रहा है, इस तरह से कैसे बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं, सारा प्रोसेस मैं मोबाइल के होम स्क्रीन के माध्यम से बताऊँगा, सारा डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल में पिक्सल लैब होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग इंस्टाग्राम का लोगो यूजर नेम बना सकते हैं, साथ में एडिट करके आप लोग वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से अपने वीडियो में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और आपको सारा डिटेल बताते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर लेना। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और आपको सारा डिटेल समझाते हैं कैसे लोगो बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं वीडियो में। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और आपको दिखा देते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पिक्सल लैब है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इसी प्रकार शो करेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट आ रहा है। इस टेक्स्ट को कैसे डिलीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिख रहा है न्यू टेक्स्ट, इसको कैसे डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। अब आपको आता है यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर तो अभी दूसरा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अभी दूसरा है। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा कलर, यहाँ पर देख पा रहे हैं कलर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको देख पा रहे हैं कलर का बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से शो करेगा। यहाँ पे जो भी कलर आप रखना चाहेंगे उसको रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे कलर मैं वाइट रख लेता हूँ, यानी सफ़ेद वाइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करके वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा कलर अभी चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। तो अब हम अपना लोगो बनाना सिखाएंगे। अब लोगो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट बटन का ऑप्शन शो करेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर पेंसिल का आइकन शो करेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोबारा से आपको पेंसिल का आइकन शो करेगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, अपना यूजर नेम रखना चाहते हैं तो अपना यूजर नेम लिख लीजिए। मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ, मार्कंडे सिंह TK। यहाँ पे हमने लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके बटन शो करेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर आपका यूजर नेम। तो इसको आपको कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसके ऊपर उंगली रख के आपको कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब इसका आता है कलर पर के बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको कलर करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन से शो कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन। इसको स्लाइड करना है, इसी तरह आपको स्लाइड करना है, लेफ्ट साइड में आपको स्लाइड करना है इस तरह से। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे आता है साइज, आपका जो भी साइज रखना चाहते हैं, यहाँ पे साइज का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसका साइज ले लेना है। जो भी रखना चाहते हैं, कम ज़्यादा इस तरह से बढ़ा सकते हैं आप लोग। चलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सही का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे साइज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, तो कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कलर वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर दिखाई देंगे आपको। जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, मैं यहाँ पर ब्लैक ही रखना चाहता हूँ इसलिए ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सही का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आता है इसका बैकग्राउंड, क्योंकि आपको जब आप अपने वीडियो में इसको सेट करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रहेगा तभी अच्छा लगेगा।
इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बटन को इस तरह से स्लाइड कर देना है। इस तरह से आप स्लाइड करेंगे, इस तरह से स्लाइड करना, उसके बाद यहाँ पे आएगा इसका बैकग्राउंड। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनेबल करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं इनेबल, इसको इनेबल करना है आपको। इस तरह से ऑन करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड काला हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी वर्ड शो नहीं कर रहा है। आपको इसी वाले बटन को इस तरह से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, यहाँ पर जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर अपने बैकग्राउंड में कलर, तो आपको यहाँ पर जो भी रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर रेड कलर रखना चाहता हूँ, यहाँ लाल कलर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड सेट हो जाता है इस तरह से। उसके बाद आपको यहीं पर थोड़ा सा नीचे आपको इस तरह से जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे बटन दिखाई देंगे आपको, यहाँ पर इसके तरफ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे लेफ्ट साइड में बड़ा हो जाएगा इस तरह से, देखिए, और उसके नीचे ही जाएंगे तो इसको ये राइट साइड में बड़ा होता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे नीचे आ जाना है, रेड्यूस में आ जाना, सबसे नीचे उसी वाले ऑप्शन में सबसे नीचे आएंगे तो इस तरह से देखिए राउंडिंग हो रहा है, राउंडिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सही का निशान देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका लोगो, जो इंस्टाग्राम का रखना चाहते हैं, यूट्यूब का रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके पहले आप लोग इसको लॉक कर दीजिए, इस वाले बटन को आपको लॉक कर लेना। लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो ये बैक आ जाता है। उसके बाद आप कहीं भी स्क्रीन को टच करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो कहीं भी घिसकेगा नहीं, कहीं भी हटेगा नहीं। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है इंस्टाग्राम का लोगो, चाहे यूट्यूब का लोगो, कोई भी लोगो आप लगा सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। उसके बाद आपको लोगो लगाने के लिए आपको चाहे तो आप अपना ही लोगो लगा सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लोगो लगा के दिखाऊँगा। इंस्टाग्राम का लोगो लगाने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधे आपके गैलरी में लेकर जाएगा। अगर आप लोगों ने PNG फोटो डाउनलोड नहीं किया है तो आप क्रोम ब्राउजर में जाकर PNG डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम लोगो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा इंस्टाग्राम PNG लोगो, तो आपके सामने बहुत सारे PNG लोगो आ जाएंगे इंस्टाग्राम के। अगर यूट्यूब का लोड करना चाहते तो आपको लिखना होगा यूट्यूब PNG लोगो, तो आपके सामने आ जाएगा। मैं ऑलरेडी PNG डाउनलोड कर रखा हूँ इसलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, इस बार सही वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आपको छोटा बड़ा करने के लिए इस वाले बटन का यूज करना होगा। चलिए मैं इससे छोटा बड़ा इस तरह से करूँगा, यहाँ से सेट कर लूँगा इस तरह से सेट कर लेता हूँ, बिल्कुल अच्छा लगे, देखने में भी मज़ा आ जाए। यहाँ पर हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपको सीधे यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे लॉक का बटन शो करेगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी लॉक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे सेट कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पर सेट हो चुका है इंस्टाग्राम का लोगो और मेरा यूजर नेम यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आता है ये बैकग्राउंड, इसको PNG में हमको बनाना है। PNG बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो वाइट का बैकग्राउंड दिख रहा है इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हटाने के लिए आपको इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा ट्रांसपेरेंट्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका बैकग्राउंड बिल्कुल हट जाता है, देख लीजिए यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड है यहाँ पे हट चुका है। अब आता है इसको सेव करने का प्रोसेस। सेव कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा एक्सपोर्ट इमेज, बिल्कुल ध्यान से देखिए एक्सपोर्ट इमेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेव बिल्कुल भी नहीं करना है, एक सेटिंग करना है बस। यहाँ पर दिया होगा डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल ध्यान से डिफ़ॉल्ट, उसी के सामने एक बटन दिखाई देगा यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है अल्ट्रा, इसको सेलेक्ट कर लेना आपको अल्ट्रा, इसको सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे अल्ट्रा हो चुका है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है, यहाँ पर सेव टू गैलरी के ऊपर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है।
एक्चुअली हमारा सेविंग कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारा सेव कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको गैलरी में चल कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा पीएनजी आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा पीएनजी आ चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मैं आपको इसको वीडियो में सेट करके भी दिखाता हूँ। चलिए मैं आ चुका हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पर। मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन। मैं हमेशा इंसुट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज करता हूँ, इसलिए मैं इंसुट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस प्रकार से शो करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी वीडियो पर सेट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से आएगा, उसके बाद इसका साइज सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे लगा के भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से आता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे को अपना लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए क्या करना है, जो हमने पीएनजी बनाया है उसी को लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पे पीआईपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो वाले के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी मैंने अपने बनाया है यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है। इसको जहाँ भी आप सेट करना चाहते हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जहाँ पर भी, यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है इसका एनिमेशन। इसका एनिमेशन सेट करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे देख लीजिए आएगा। यहाँ पे इस तरह से देख लिया हूँ, वहाँ पे स्क्रीन पे देखते रहिएगा। मैं थोड़ा सा बैलून को कम कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वो देखिए ऐसे चल के आएगा, यहाँ पे ऐसे चल के आएगा। देखिए ऊपर स्क्रीन पर देखते रहिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखते रहिए आप लोग, यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से करता हूँ तो कैसे चल के आ रहा है, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा, जो भी रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सही का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं दोबारा से वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर देखिएगा, यहाँ पर देखिए मेरा यूजर नेम शो कर रहा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सही का बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको सेव करने के लिए आपको सिंपल से बटन है, यहाँ पर सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा से सेव का बटन दिखाई देगा। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 100% कंप्लीट होगा आपका वीडियो सेव हो जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।